अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको बर दुबई में, जो बर दुबई में एक सब कम्युनिटी है अर्रफा, उसकी जो है आपको टूर करवाएंगे। इस वक्त हम कुवैत रोड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे हमारा और लेफ्ट साइड पे मनखोल एरिया है। और आगे जो आपको ये सिग्नल नज़र आ रहा है रोड जो है, ये अलमनखोल रोड है। तो अलमनखोल एरिया और अलमनखोल रोड जो है, दोनों की मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल में जो है उनको देख सकते हैं। ये यहाँ से जो है हम अभी अर्रफा एरिया में इंटर हो रहे हैं। हमारे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये दोनों अर्रफा है। हम जो है अभी जो राइट साइड का एरिया है उसको कवर करेंगे। ये अभी राइट साइड पे अगादिर बिल्डिंग और उसके साथ ये एस्टर हॉस्पिटल जो कि अर्रफा में लोकेटेड है, और लेफ्ट साइड का जो एरिया है ये भी अर्रफा है, इसमें इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल लोकेटेड है। और अर्रफा में जो है इसी तरह से राइट साइड के एरिया में अल खलीज सेंटर, जो कि लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का जो है, यूज्ड लैपटॉप्स का और कंप्यूटर का जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो ये राइट साइड का जो अर्रफा एरिया है उसमें लोकेटेड है। और इसी तरह से जो है अभी हम अर्रफा में जो इनर अर्रफा है उसमें घूम रहे हैं। अर्रफा में मेट्रो स्टेशन जो है डायरेक्टली इनसाइड तो नहीं है, लेकिन अर्रफा का जो जिस एरिया में हम घूम रहे हैं इस पोर्शन में खलीज सेंटर के साथ आपको अल-फहीदी मेट्रो स्टेशन जो है अवेलेबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि अर्रफा का ये वाला पोर्शन जो है ये ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, और बाकी बसेस वगैरह तो हैं। और ये देखिए अर्रफा भी दुबई के जो मेन लोकेशंस हैं उनमें से काउंट होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि ये सब कम्युनिटी है बर दुबई में। ये अलमदीना सुपर मार्केट और अर्रफा एरिया में बाकिर मुहिबी जो सुपरमार्केट है, जहाँ पे वन दरम की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, जो कि एक्सपायर डेट से थोड़ा सा पहले, मतलब एक्सपायर नहीं होती लेकिन एक्सपायरी डेट उनकी नज़दीक होती है, तो वो आइटम्स आपको वन दरम में अवेलेबल होती हैं बाकिर मुहिबी सुपरमार्केट में। वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। ये अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं सीधा आप अगर चलते जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में अल खलीज सेंटर, जो कि मैंने कहा कि आपको अगर आपको यूज़ लैपटॉप वगैरह लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी बड़ा मार्केट है, और उसके सामने ही आपको जो लैंड सेंटर है जिसको कंप्यूटर प्लाजा भी कहते हैं, जो कि अलमनखोल एरिया है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है। तो वो लोकेटेड है। अलमनखोल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको कमिंग वीडियोस जो हैं वो मिलती रहे। तो जो मेन लोकेशंस थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये आ गया आपको लेफ्ट साइड पर जो है ये अल खलीज सेंटर लेफ़्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ इस स्ट्रीट से निकलेंगे तो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो अलैन सेंटर, या जिसको कंप्यूटर प्लाजा भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अल खलीज सेंटर के साथ ही नज़दीक में अल-फहीदी मेट्रो स्टेशन है, और ये सामने आपको अलमनखोल रोड जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, और उसके साथ ही जो एरिया है अलमनखोल एरिया उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। तो ये दोनों वीडियोस जो हैं ये चैनल पे अवेलेबल हैं। ये अलमनखोल का एक और जो किनारा आप कह सकते हैं, ये जो रोड है ये सीधा आपको अशंदगा टनल और डेरा की तरफ जो है लेके जाएगा, और लेफ़्ट साइड में जो है वो दुबई कस्टम्स और साथ में ही जो है वो सी है। और अलमनखोल के साथ ही जिस तरह से मैंने कहा कि अर्रफा है, और ये अर्रफा के अभी जिस तरफ हम जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप सीधे चलते जाएं तो आप खालिद बिन वलीद रोड पहुँच जाएंगे। उसके साथ ही जो एरिया है वो अल-फहीदी एरिया है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, कमिंग डेज़ में मैं अपलोड करूँगा। तो
ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह आपको और हम सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।